हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं क्रेजी टेक पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप थ्री ऐसे फ़ोन जिनको आप 8000 रुपीज़ के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि अपने लिस्ट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन को रखूँ जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकें। हमारे सभी फ़ोन्स में कम से कम 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो फोन आता है उसका नाम है रेडमी का 6। इसके अंदर आपको 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें ड्यूल कैमरा दिया गया है 12 MP प्लस 5 MP विद LED फ्लैश, एंड फ्रंट की बात करें तो 5 MP का दिया गया है। प्रोसेसर इसके अंदर 2.0 GHz का MediaTek का P22 Octa-Core प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन 4G सपोर्ट करता है और इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की दी गई है। OS जो है ये ऑडियो पे वर्क करता है और इसका प्राइस जो है 7999 rupees है। ये आपको Flipkart पे मिल जाता है। चलते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Redmi का Y2। ये फ़ोन सेल्फी लवर्स के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है। इसके अंदर जो है फ्रंट का बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है और डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी बड़ी दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले का साइज़ है 5.99 inches जो कि एक HD+ डिस्प्ले है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। इसके अंदर भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसके अंदर भी आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है 12 MP प्लस 5 MP विद LED फ्लैश, एंड फ्रंट की बात करें तो 16 MP। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर 2.0 GHz का स्नैपड्रैगन 625 Octa-Core प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन भी 4G सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो 3080 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। OS की बात करें तो ऑडियो पे वर्क करता है। इसका प्राइस 7999 rupees है। ये भी आपको Flipkart पर देखने को मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में जो तीसरा फोन है, इस फोन को मैंने केवल इसीलिए अपनी लिस्ट में रखा है क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ आपको बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। इस फोन का नाम है Moto E5 Plus। इसके अंदर आपको 6 inch की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। रैम की बात करें तो 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। इसके अंदर भी डेडिकेटेड स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा इसके अंदर 12 MP का बैक दिया गया है और फ्रंट की बात करें तो 5 MP का है। दोनों में ही आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसके अंदर 1.4 GHz का स्नैपड्रैगन 430 दिया गया है जो कि एक Octa-Core प्रोसेसर है। ये भी 4G सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 5000 mAh की एक बिग बैटरी दी गई है। इसके अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन भी ऑडियो पे वर्क करता है। उसका प्राइस जो है वो 7999 rupees है। ये भी आपको Flipkart पे देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप थ्री फोन्स जिनको आप 8000 rupees के अंदर परचेज कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है बेस्ट स्मार्टफोन्स को रखने की अपनी लिस्ट के अंदर। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट होगा कि रियलमी C1 को भी इस लिस्ट के अंदर रखा जा सकता था, बट मैंने अपने लिस्ट में रियलमी C1 को इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 2 GB की रैम देखने को मिलती है 8000 rupees के अंदर। अगर आप 8500 rupees खर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 GB की रैम देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। गुड बाय।